अस्सलाम वालेकुम, आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट पीसी बिल्ड की वीडियोस आपके इस चैनल पे लाते हैं। तो आज फिर पेशे खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ, जो कि LCA ब्रांड की जानिब से एक CPU कूलर M90 मॉडल है, जिसका इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आज हम इंशाल्लाह इस चैनल पे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि बॉक्स की लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रही है, जो कि एक थोड़ा नॉर्मल स्टाइल से ये हट के एक RGB कूलर है। तो M90 मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं और LCA ब्रांड। इस जानिब जो है वो इसकी कुछ मल्टीलिंगुअल स्पेक्स मेंशनड हैं और इस जानिब जो है ये इसकी कुछ डिटेल्ड स्पेक्स मेंशनड हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट डायमेंशनस हैं 112x92x135 mm जो है वो इसकी डायमेंशन है। इसके अंदर फ़ैन जो है उसकी डायमेंशनस 9x92x25 mm है। हीट पाइप जो है वो इसके अंदर 4 कॉपर हीट पाइप मौजूद हैं। इसकी जो फ़ैन है उसकी रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट है, जबकि फ़ैन की रेटेड करंट जो है वो 0.11 एम्पियर है। और फ़ैन स्पीड जो है इट मे वेरी इन बिटवीन 800 to 2400 RPM, जबकि फ़ैन एयर फ्लो जो है वो 40.5 क्यूबिक, जबकि इसका फ़ैन एयर फ्लो जो है वो 40.5 CFM है। जो फ़ैन एयर प्रेशर जनरेट करता है वाइल इट्स इन ऑपरेशन तो वो 2.51 mm ऑफ वाटर। फ़ैन नॉइज़ जो है वो 28 dB है, जो कि काफ़ी लो है। बेयरिंग टाइप इसमें हाइड्रोलिक है, जिसका दूसरा मतलब जो है वो इसकी एक ड्यूरेबिलिटी है, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि हाइड्रोलिक बेयरिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। और फ़ैन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 40,000 आवर्स जो है वो क्लेम की गई है। और इस जानिब जो है वो M90 यहाँ पे भी मैंशनड है, जबकि इस कूलर की जो खूबसूरत लुक है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्स करने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये LGA 1200 115X मीन 1150-1151 सॉकेट 1366, जबकि राइजन के लिए AMD FM1 FM2 AM2 AM2 Plus AM3 AM3 Plus और AM4 सॉकेट के लिए ये मोस्ट सूटेबल है। इन अदर वर्ड यू कैन से कि ये एक यूनिवर्सल कूलर है LCA की जानिब से। तो चलिए अब इसको ज़रा अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें इसके साथ क्या मिलता है। इसको एज़ यू कैन सी इट्स सील्ड फ्रॉम दिस एंड, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से एक बॉक्स निकला है, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे हमें इसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिल जाता है, जिसके अंदर इंटेल LGA 1200 115X 1366 यहाँ पे ये मेंशनड है। इन शॉर्ट इसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन मेथड और कंप्लीट टेक्निकल डिटेल और स्पेक्स जो हैं वो मेंशनड होंगी। तो ये है LCA M90 CPU कूलर का क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड। तो चलते हैं इस बॉक्स की जानिब। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, यस दे आर, और डिफरेंट ब्रैकेट्स जो हैं इंटेल सॉकेट के लिए और AMD सॉकेट के लिए इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक थर्मल पेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी मौजूद है, और ईच एंड एवरी सीक्रू इज़ ऑलरेडी इनसाइड, यू डोंट नीड टू बाई एनी थिंग फ्राम आउटसाइड। तो ये हैं कुछ इसके साथ एसेसरीज़। तो अब बढ़ते हैं मेन यूनिट की जानिब। तो ये है जी हमारे पास LCA M90, इसको एक यहाँ पे कवर के साथ, ओह सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इसका आप टेक्सचर देख पा रहे हैं कि ये एक ज़िगज़ैग टेक्सचर है। यहाँ पे ये जो दो स्ट्रिप्स हैं ये ARGB स्ट्रिप्स हैं, और LCA की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और टावर कूलर है नीचे जो है वो। यहाँ पे इस जानिब 4 हीट पाइप जो है वो आप कॉपर हीट पाइप देख पा रहे होंगे, जिसके साथ एक और सिल्वर प्लेट है। और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इस जानिब जो है वो मेंशन की गई है, विच इज़ 7/21 मीन July 21 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इस जानिब जो है वो इसके साथ हमें कुछ ARGB
और RGB हेडर्स मिल जाते हैं जो कि डेफिनेटली इसको पावर ऑन करने के लिए, और यहाँ पे ये एक 3 पिन जो है वो हेडर हमें अलग से मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और ख़ूबसूरत ब्लैक टेक्सचर के अंदर ये कूलर है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इसका स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक लगा है। और इस जानब जो है वो आप ये दो टावर लाइक चीज़ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये टावर जो है इसके अंदर मैक्सिमम एयर फ्लो को एनश्योर करने के लिए, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए इसका डिज़ाइन पैटर्न जो है वो ऐसे रखा गया ताकि मैक्सिमम हीट जो है वो डिसिपेट हो सके। तो ये है इसका LCA M90 कूलर। और अगर हम आपको क्लोज़अप में दिखा सकें तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि फ़ैन जो है वो इन दोनों स्लॉट्स के बिटवीन यहाँ पे 120 mm फ़ैन जो है ये मौजूद है, और इस फैन को सराउंड कर रहे हैं 4 कॉपर हीट पाइप जो कि डेफ़िनेटली अपने एयर फ्लो की वजह से इसको बहुत जल्दी कूल कर देगा। और ख़ास तौर पे ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं ये उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एनहांस कर रही हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट कूलिंग मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे आप सामने वाजे तौर पे ये फ़ैन एरिया देख पा रहे होंगे। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये 4 पिन कनेक्टर भी मौजूद है, 3 पिन कनेक्टर भी मौजूद है, और डायरेक्ट मोलेक्स कनेक्टर भी मौजूद है, जिसका यह मतलब है कि आपका मदरबोर्ड या आपका सिस्टम जो भी इंटरफेस इनमें से सपोर्ट करता है, आप ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कूलर है एज़ टोल्ड अर्लियर, तो इसको आप हर इंटरफेस के साथ आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी LCA M90 CPU कूलर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये कूलर अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk या sbpcstore.com पे जाके इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट या गेमिंग पीसी बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस तरह की मजीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं जो इंशाल्लाह इस चैनल पर आते रहेंगे, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Anyways, thanks for watching the video. Thanks for your time. Stay blessed. Allah Hafiz.